हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिशा जीसन क्रिएटिविटी, माय सेल्फ लिशा। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पनीर पुलाव की रेसिपी। गाइस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड हेल्दी पनीर पुलाव हम बनाने वाले हैं। वी ऑल नो पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, तो दिस इज हाउ ये डिश बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम बनाते हैं पनीर पुलाव। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पनीर पुलाव। सो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कैरेट्स ले लिए हैं फाइनली चॉप्ड, अनियंस भी फाइनली चॉप्ड है, ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड जिंजर, और बे लीव्स यूज़ करने वाली हूँ एंड क्लोव्स भी दो तीन यूज़ करने वाली हूँ। ये मटर है एंड ये पनीर है, होममेड पनीर है। अगर आपने अभी तक इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलना। और राइस मैंने पहले से ही सोक करके रखे हुए हैं और कुछ बेसिक स्पाइसेस यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट, हम ये बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में। गाइस, तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बे लीव्स एंड क्लोव्स ऐड कर दिए हैं। बे लीव्स और जो क्लोव्स होते हैं पुलाव में, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट देते हैं पुलाव को। तो दिस इज़ हाउ इसको मैंने ऑयल में ही डाल दिया, ताकि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ऑल ओवर पुलाव मिल जाए हमें। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है राई एंड जीरा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्प्रिंकल हो रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हींग, जो कि हाफ टी स्पून जितनी मैंने यूज़ की है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्टमक के लिए। तो दिस इज़ हाउ हींग डालने के बाद अब हम नेक्स्टली हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। तो ये अच्छे से स्प्रिंकल हो जा रहे हैं तेल में, बस सभी अरोमा बहुत ही अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारे फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक, जो कि मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, बट इसके जो आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं पुलाव के साथ। तो दिस इज हाउ इसके अंदर अब हम नेक्स्टली ऐड कर लेंगे ग्रीन चिलीज। तो मैं इसके अंदर दो ग्रीन चिलीज यूज करने वाली हूँ फाइनली चॉप करके। अब आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्टली ऐड कर लिए हमारे जो कि है प्याज, जो कि फाइनली चॉप करके रखे थे। तो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पकने के बाद हम नेक्स्टली हम प्याज डाल देंगे। तो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज भी बहुत अच्छे से स्प्रिंकल हो रही है और इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम नेक्स्टली हमारे फर्दर इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जो कि है मटर। जैसे मैंने कहा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मटर मैंने ऐड कर लिए हैं। आप चाहे तो, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने ऐसे ही रॉ यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर मैंने कैरेट्स डाल दिए हैं, वो भी मैंने अच्छे से फाइनली डाइस करके ही रखे हैं। तो दिस इज़ हाउ बाइट साइज़ में काट के मैंने कैरेट्स भी ऐड कर दिए हैं। आप चाहे अपने मनपसंद या आपको आपके बच्चों को पसंद हो, वो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, या आपके पास जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि पुलाव में जितने भी वेजिटेबल्स हो, आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ मैंने इसमें मटर, प्याज एंड गाजर यूज कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम और थोड़ी देर पकने देंगे। स्टर करते हुए हम धीरे धीरे इसे पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत सेमी कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम नेक्स्टली इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो कि है पनीर, जो आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैं एज इट इज़ डाल रही हूँ बिकॉज़ ये होममेड पनीर है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपने अभी तक इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिस इज़ हाउ हम ये पनीर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से स्टर देने के बाद थोड़ी देर पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं पनीर स्लाइटली थोड़े से फ्राई हो चुके हैं हमारे बाकी सब वेजिटेबल्स के साथ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ जो कि है वाटर, पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। अगर आप 1 कप जितने राइस यूज़ कर रहे हैं तो 2 कप्स जितना इसके अंदर डबल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे हम। तो पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, देन इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे जो हम पहले से ही सोक करके रखे हैं। पिलाना शुरू हो चुका है, तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर हम नेक्स्टली हमारे प्री सोक्ड राइस ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारे राइस बहुत खिले खिले बनते हैं।
देख सकते हैं मैंने एक स्टर दे दिया है इसको बहुत ही अच्छे से। मैंने कोई गरम मसाले यूज़ नहीं किए इसके अंदर, ना कोई इतना ज़्यादा स्पाइसी बनाया है इसको, क्योंकि हम बच्चों को सर्व करेंगे। तो दिस इज़ हाउ आप इसको हम लेड लगा के 2 सीटी होने तक फुल फ्लेम में रखेंगे, देन हम 5 मिनट्स तक स्लो फ्लेम में रख के फिर इसके गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने गैस फ्लेम से उसको उतार लिया है एंड हमारे पुलाव रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको कोरिएंडर लीव से गार्निश कर सकते हैं बहुत ही, एंड फ्राइड अनियन से भी गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर पुलाव रेडी हो चुके हैं, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं आप मेरे पनीर पुलाव प्रेशर कुकर में बहुत ही ईजिली रेडी हो चुके हैं। पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।